बहुत इम्पोर्टेंट है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को गोरकिशोरदास बाबा जी महाराज ने सिर्फ दो इंस्ट्रक्शन दिए थे अपने जीवन काल में, सिर्फ दो इंस्ट्रक्शन। उसमें से एक इंस्ट्रक्शन था कि तुम कभी कलकत्ता मत जाना, और दूसरा इंस्ट्रक्शन था तुम कभी दीक्षा मत देना। और ये दोनों इंस्ट्रक्शन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने फॉलो नहीं किए। अब उनके शिष्यों ने जाके पूछा, गुरुजी आपके गुरु ने आपको ये दो ही इंस्ट्रक्शन दिया था, कलकत्ता कभी मत जाना, दीक्षा कभी मत देना, और आपने ये दोनों किया, और किया ही नहीं, गौड़ीय मठ का हेडक्वार्टर्स था कलकत्ता, बाग बाजार का गौड़ीय मठ था उनका हेडक्वार्टर्स कलकत्ता में। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत सुंदर बात बताई। उन्होंने बोला कि मैं तो कभी कलकत्ता में रहा ही नहीं, मैं कलकत्ता में कब रहा, मैं तो मंदिर के अंदर हूँ और मंदिर तो वैकुंठ है, मैं तो वैकुंठ में रहा, मैं कलकत्ता कब गया। तो भाव देखो, तो कलकत्ता में कब गया होता अगर मैं कलकत्ता के पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करूं, न्यूज़पेपर पढूं, वहां क्या हो रहा है जानूं। मैं तो अपना भजन कीर्तन बस मंदिर के अंदर सबको भक्त बना रहा हूं। मैंने कहा मेरे गुरु का फॉलो नहीं किया। और दूसरी बात, गुरु ने कहा था दीक्षा मत दो, तो उन्होंने बोला कि मैं तो मन से कभी भी अपने आप को गुरु मानता ही नहीं हूं। मैं किसी को भी जो दीक्षा देता हूं, मैं सोचता हूं ये तो मेरे गुरु के शिष्य है, मेरा इतना ही रोल है, मैं उनको मिला रहा हूं, बस मेरा निमित्त मात्र हूं, मैं सिर्फ दोनों को मिला रहा हूं, मैं अपने आप को गुरु सोचता ही नहीं। कितने सुंदर भाव। भाव मैं क्यों ये एग्जांपल दे रही हूं कि भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप कैलाश पे चले जाओ या यमुनोत्री चले जाओ, गंगोत्री चले जाओ, लेकिन वहां भी आपकी भाव है इंद्रिय तृप्ति, तो फिर कोई फायदा नहीं है। ऐसी यात्राओं का कोई फायदा नहीं है, ये कव्वे जैसी यात्रा है, मत करिए ऐसी यात्रा। वरुण आइए संडे प्रोग्राम में बैठ के भागवत गीता सुनिए, ये आपकी तीर्थ यात्रा है, यहाँ भगवान के बारे में सुन रहे हो ना। सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा कृष्णा।